रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वेलकम टू फ्रूटी बॉक्स क्रिकेट लीग। टेलीविजन इंडस्ट्री का वन एंड ओनली यूनिसेक्स सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग। आज जो इस पिच पे होगा वो सदियों तक याद रखा जाएगा। मतलब जिस ड्रामा, इमोशन, दर्द, कॉम्प्लिकेशन की अब तक हम लोग उम्मीद कर रहे थे वो सब आज इस पिच पर होने वाली। मेरे मारा नहीं, वो अंदर आके काम ना, इसमें कुछ नहीं। जीतेगा या चीटेगा, इन दोनों टीमों के लिए आज का मैच होगा डू और डाई, क्योंकि आज टक्कर है दो टीमों के बीच, पुणे अनमोल रतन वर्सेस कोलकाता बाबू मोशाय। तो क्या चेंजेस हो रहे हैं गेम प्लान में, आइए देखते हैं। फील्ड में एक ही कैप्टन है, एक ही बोलेगा, बाकी सब सुन। ऑल ऑफ अस शुड बी एट द टॉप ऑफ आवर गेम। ये नहीं होना चाहिए मैच के बाद कि किसी को लगे कि यार मैंने थोड़ा सा एफर्ट और मारा होता तो रिजल्ट चेंज। और भाई ना विकेट पे डालना, मेरे तो रात में कुछ मत करना, बोलो बॉल नहीं खेल पाएंगे। और भाई डराना है सबको, लड़कियों को तो खेलना नहीं देना, ऐसे हाथ कांपने चाहिए जैसे। हर हर हारे, हर हर हारे। और अब बुलाते हैं ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की सोशल सर्विस देने वाले कैप्टन वरुण बड़ोला की टीम पुणे अनमोल रतन को। और अब बुलाते हैं उस टीम को जिसमें हर दशक के बड़े स्टार्स के नाम शामिल हैं। तो बुलाते हैं कैप्टन शरद मल्होत्रा की टीम कोलकाता बाबू मोशाय को। वो घड़ी आ गई है जिसका हमको बेसब्री से इंतजार है। बुला लेते हैं दोनों टीमों के कैप्टन्स को। और अब बुलाते हैं कोलकाता बाबू मोशाय के कैप्टन शरद मल्होत्रा को। तो वैसे शरद जी, भाई वो कहावत तो सुनी होंगी, घर का वेदी जो है लंका ढाए जी। तो दिव्यंका जो है आपकी टीम में थी लास्ट ईयर, अब जो है दूसरी टीम में चली गई है, यहाँ आ गई है जी। सारे स्ट्रेंथ सारे वीकनेसेस उसे पता है जी। ये कारण हो सकता है आपकी हार का। साल भर हो गया जी, और साल भर में इंसान के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों बदलते हैं, तो उम्मीद है कि मेरे भी कुछ बदले हैं। उन्हीं स्ट्रेंथ के साथ मैं इस बार का बीसीएल खेलने वाला हूँ। तो बुला लेते हैं हमारे टॉस वाले बाबू, जरा टॉस करा दो, टॉस वाले बाबू जरा टॉस करा दो। यू कॉल, मैं कॉल, हाँ चलिए। एच हेड भाई क्या करना चाहेंगे? लाइक टू बैट ओके ऑल Let's begin the game, guys! For Kolkata Babu Moshai is Salil Acharya and Amit Sarri. Opening batsman Kolkata Babu Moshai, Amit Tumake Balu Bhaji. Kya log bolenge? After you score a big, you know. Big 100. आपको पता ही है कि सपोर्ट जो है मैं पुणे अनमोल रतन से कर रहा हूँ। उधर जाओ प्लीज। मुझे थोड़ी सी नॉकिंग करनी है। बोलिंग के लिए तैयार है पुणे से नीरज। मेरा तो हमेशा एक ही टारगेट होता है, विकेट जो सामने दिखे विकेट उड़ा दो, यॉर्कर पटको, जितना हो सके अच्छे से बोल करो।
जो हो जाए देखा जाए। और अमित सरेन बैटिंग के लिए प्ले बॉल। और ये पहली ही बॉल पर विकेट गया की अपील हुई थी लेकिन अंपायर ने मना कर दिया है। इसे कहते हैं जोश के साथ ही मैच को शुरू करना। अमित सरेन को बैटिंग करने से पहले ही नर्वस करने की कोशिश कर रहे हैं। सलील ऑलमोस्ट आउट होते होते बच गए। नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल अ बिगिनिंग। इजी इजी इसे कहते कमाल। पहले ओवर के खत्म होने से पहले ही यहां पर विकेट गिर गया सलील आचार्य का, जो अर्चना के हिसाब से स्टार प्लेयर थे कोलकाता बाबू मोशाय का। विदाउट फेसिंग बहुत ज्यादा बुरा लगता है यार, एक बॉल नहीं फेस की यार और डक आ गया ना, तो इट लुक्स वेरी बैड यार। जीरो आउट ऑफ जीरो गलती उसकी है और वो आपके आगे जीरो। ठीक है, गलती नहीं हो रही यार, इट्स रॉन्ग कॉल हो गया, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। भाई सलील ने कहा था कि हम तो बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करने वाले हैं और हम दबा के खेलेंगे, हम कॉन्फिडेंट हैं। कॉन्फिडेंट उनकी रनिंग में लगी नहीं। हाँ, लगी नहीं। एक तो उनको वहाँ खेलना चाहिए था, एक तो बॉल फेस करने में कॉन्फिडेंस उनका आया नहीं। हाँ। है, वो आ गए यहाँ और उसके बाद अब रनआउट भी हो गए। क्या लगता है कोलकाता बाबू मोशाय का क्या स्कोर होगा? देखते हैं, 100 के अंदर ही होगा। सलील आचार्य स्टूपिड डंप, देयर वाज नो नीड टू रन लाइक अ फूल, और वो भागा और रनआउट हो गया। So, बहुत बड़ा लॉस है बाबू मोशाय के लिए, बिकॉज सलील इज डेफिनेटली अ गुड बैट्समैन एंड ही कुड हैव डन वंडर्स फॉर हिज टीम। चलिए भाई, कैप्टन शरद मल्होत्रा इज हियर टू बैट। शरद, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हुए अपने एक एम को रखते हैं कि हम इतना परसेंटेज लेके आएंगे, आपने कितने रन सोच के आज की इनिंग्स खोली है? पता नहीं यार, तुम जो चुन लो मैं बना दूंगा। सिंस आई एम सपोर्टिंग पुणे, मैं बोलता हूँ 10 के अंदर ही आउट हो जाओ या 0 पे आउट हो जाओ, चलेगा? यार तुम ही ने बोला कि हम डिसाइड कर ले। आई थॉट यू वर अ गुड फ्रेंड। देखो दोस्तों, मेरे हर टीम में है लेकिन आज मैं अपनी सबसे पुरानी दोस्त को सपोर्ट कर रहा हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि वो मेरी एमपी से है, दिव्यांका। एमपी का नाम रोशन करना है आज। प्ले बॉल। लेग बाय 2 रन। दो रन्स और एक विकेट। स्कोर कार्ड लुक्स वेरी वेरी बैड राइट नाउ। पुणे में हमारी चकदे की तानिया अबरोल भी तो है, ये अकेली ही चक देगी पूरी की पूरी कोलकाता बाबू मोशाय को। प्ले बॉल। गो 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 गो। और ये पहला दूसरा विकेट जा चुका है कोलकाता बाबू मोशाय का। क्या बात है, व्हाट अ कैच मंडोला भाई। थैंक यू। कितना स्कोर लगता है ये खड़ा कर पाएंगे? देखो अभी मेरे ख्याल से 2 विकेट गए हैं, दूसरा ओवर चल रहा है, तो खेलेंगे तो 11 ही ना, तो 10 विकेट निकालने, तो फिर अपनी तरफ से टाइट बॉलिंग करते हैं, फिर वो देखते हैं कितना बनाते हैं। देखिए 1.5 ओवर्स के बाद सिर्फ 3 रन्स एंड 2 विकेट्स खोकर ये स्कोर है हमारे कोलकाता बाबू मोशाय का। बैटिंग करते हुए 4 पहले खिलाड़ियों में से एक लड़की का होना अति आवश्यक है। आई एम सो हैप्पी कि विंध्या इज नाउ ऑन स्ट्राइक। तो राज को लास्ट के लगाने को भी नहीं मार पाएगा। ठीक है, डन। आ तने विंध्या के सामने देखो तो सही तुम कौन आ रहा है। ओ गॉड।
तान्या अबरोल आ गई है विंध्या के सामने, तो अभी होने वाला है बहुत ही बड़ा टक्कर का मुकाबला। एंड वॉज अ वेरी स्मार्ट डिसीजन, लड़की के सामने लड़की, आप खेलो बेटा। बॉलिंग करते हुए पहले चार ओवर्स में एक ओवर लड़की को करना जरूरी है। तान्या अबरोल ये हमारी टीम की ब्रैट है, ये बैटिंग भी कर सकती हैं, ये बॉलिंग भी कर सकती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये अकेली प्लेयर हैं जो कि ऑपोजिशन के 11 के 11 प्लेयर्स को अकेले समेट सकती हैं। प्ले बॉल। गो 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 गो। बहुत बढ़िया। वेट। तान्या बहुत ही अच्छी बॉलर है। आई थिंक दैट्स एक्सीलेंट बिकॉज दैट प्रूव्स दैट BCL इज नॉट जस्ट अ गाइज गेम, इट्स ऑल्सो वुमेन्स गेम, एंड आई थिंक यू हैव टू वॉच आउट फॉर वुमेन मोर। और तान्या की बॉल पर शरद ने मारा छक्का। और ये जो हमारी टीम की एक्स प्लेयर थी, क्या 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 क्या, वो तो अभी पुणे में चली गई है। क्यों? Why? अब मैं क्या बोलूं उनके बारे में? शरद का क्या कहना है? शरद is missing that moment, that thing. No, he is rather damn excited to go on the field. अच्छा। And to take the war on head on. अच्छा मतलब ओ। Yes. ओ हो हो। तानिया, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें दो फ्रूटी पिलाऊंगा, आके विकेट आना चाहिए अगली बार। और ये चक दिया लेकिन यार चकते चकते होते होते छोड़ दिया यार, छोड़ देते ऊपर ऊपर छोड़ देते। मुझे लगता है पुणे टीम को ये वाला विकेट छोड़ना बहुत भारी पड़ेगा। तान्या इस बॉल पे विकेट ले डाल, वरना शरद इतने रन बनाएगा कि वाट लग जाएगी भाई। पुणे अनमोल रतन ने शरद का जो ये कैच छोड़ा है, आई थिंक ये थोड़ा सा डाइसी हो सकता है, क्योंकि सुनने में आया कि शरद अच्छा खेलते हैं, तो आई थिंक अगर ये कैच पकड़ लेते तो पुणे के हाथ में आ जाता ये मैच। 17 रन्स ही गए हैं अभी तक, सिर्फ दो विकेट ऑलरेडी जा चुके हैं, तीन ओवर्स खत्म हुए हैं। 17 रन तीसरे ओवर में। इट्स अबाउट 20 शॉट राइट नाउ, बट ठीक है, कवर अप हो सकता है, कवर अप हो सकता है। इट्स बेटर दैट कि स्टार्ट में ऐसा हो जाए और एंड में ना हो ऐसा। हां, आई विल ऑलवेज कॉल व्हेन वी आर रनिंग, माय विकेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, योर विकेट इज इंपॉर्टेंट, सो इफ आई एम गेटिंग आउट फॉरगेट इट, लेट मी गेट आउट, आई हैव नो प्रॉब्लम। भाई यहाँ पे विंध्या आउट नहीं हुई है, खुशियां मत बनाओ, इट्स अ नो बॉल एंड फ्री हिट। कोलकाता बाबू मौसा इज रॉक एंड वी प्ले टू विन। देखिए चलो क्या चौके छक्के पर मारा। आमी तुम्हाके बालवाशी। यस, आमी तुम्हाके बालवाशी। अब मारियो स्ट्राइक, फ्री स्ट्राइक है ना, आउट नहीं हो सकती ना, आउट नहीं हो सकती है। देख के बैट घुमा दियो। Now I'm supporting Pune because I think they're bowling very good and they're playing a disciplined cricket, which I'm absolutely enjoying. सब भूखे शेर की तरह विकेट लेने के लिए बैठे हुए हैं। और ये जो पहले ना हो सका वो अब हो गया, नहीं अभी भी नहीं हुआ और अब हो गया। क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या हो क्या रहा है, खुद ही रन आउट हो के उनको विकेट दे, उनको तो चांस दो। मुझे ऐसा लगता है कि रन आउट इज लाइक अ सुसाइड इन क्रिकेट। मैं आपकी टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसे करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। नए बैट्समैन आ चुके हैं, हितेन तेज जुवानी स्ट्राइक पर। जो नए बैट्समैन आए हैं उनके पास ऑलरेडी एडवांटेज ऑफ फ्री हिट है, क्योंकि नो बॉल पर आउट हुई थी। और आते से ही लगा, 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 लगा,
इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग डेब्यू, आते से ही छक्का पड़ा है एंड पुणे को अब थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाना पड़ेगा। चल एक छक्के के साथ ही अंडर प्रेशर, चलो चलो चलो, नामो निशान मिटा दे इसका। ये पानी तू है, कम ऑन बॉलर, इधर 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 थोड़ी इधर कर बॉलिंग। Jitendra Tijwani has gone to another level with his batman. He's hitting like I don't know who he is and chakke chauke maar rahe hain pagalon ki tarah. Unke chehre pe ek alag hi khushi dikh rahi hai, unke chaal mein ek alag hi confidence aa gaya hai. Aaram se aise aaram se khelega, main shot to khelega na, tu gussa mat lekin ye wala shot to khelega tere sath nahi thi. This is the game. Love you, very good, you're class in ground. This is the game. Isliye tere ko laya hu, sabne ka abbu banega, tu aayega. बस यही है कि सेंसिबली खेलना है, कोई नहीं हमारे, कोई नहीं हमारे, सबको चिल्लाने दे, मारो मारो, कोच नहीं होगा, बता रहा हूँ, एक शॉट के लिए आउट है, खत्म गेम। हितेन के आते से ही 31 रन्स बन चुके हैं, 3 विकेट्स गिर चुके हैं, चौथा ओवर है। चैलेंज ओवर में बैटिंग टीम बॉलिंग टीम के किसी एक बॉलर को चैलेंज कर सकती है, अगर चैलेंज पूरा हुआ तो बनाए गए रन हो जाएंगे दुगने, नहीं तो मिलेंगे आपको शून्य स्कोर। अब आ गया है क्रूशियल मोमेंट, चैलेंज ओवर पीरियड, जहां पर कैप्टन डिसाइड करने गए हैं सल के साथ कि क्या चैलेंज लिया जाए। छठे ओवर में चैलेंज ओवर लेते हैं, अभी 4 ओवर हो गए, 5वें ओवर में चैलेंज ओवर ले रहे हैं और किसको लेना है ये सोच रहे हैं। लोग कितने कंफर्टेबल है वरुण के उसमें? 15 लेना है जी, 12 ले, 12 ले, हां 12 ले, वरुण का ओवर गए, ठीक है 12 ले, 12 नहीं एक काम कर, सुन जान दे 15 ले, हां वरुण बड़ोला रन 15। चैलेंज ओवर, बॉलर नेम वरुण, टारगेट इज 15 रन। वाइड बॉल, सर 5 और, सर 5 और वाइड चाहिए, 5 और, बहुत सही है, सारी वाइड आएंगी इनकी, इस पे फुल भरोसा है मेरे को। अरे 15 बनाने बन जाएंगे। और ये छक्का, बहुत शॉट है, बहुत शॉट है। सर 2 और वाइड चाहिए बस, नॉर्मल। पुणे की टीम अब फाइनली प्रेशर में आती हुई दिख रही है, आई कैन सी द फेसेस, वरुण सर, दिव्यांका, तान्या, सभी लोग स्ट्रेस दिख रहे हैं। 7 रन चाहिए हमें ये पूरा चैलेंज जीतने के लिए, तो लेट्स होप इट हैपेंस, कम ऑन। और वरुण ने कैच करके हितेन को आउट कर दिया है। ये कंपटीशन अब हो गया है 2 पुराने चावलों के बीच, एक पुराना चावल दूसरे पुराने चावल पे भारी पड़ गया। यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे एक पुराना चावल दूसरे पुराने चावल को बॉलिंग कर रहा है, बिल्कुल वो वरुण ने वही आके बोला है कि वो दोनों बूढ़े हो रहे हैं। I'd like to say कि भाई हितेन played very well. अब जाके हम देखते हैं चैलेंज ओवर में हमारे रन जितने बचे हैं, 15, वो बनते हाँ, नहीं 15 रन की 15 रन का चैलेंज चैलेंज है, 8 रन तो बन गए थे मेरे रहते, 7 रन बचे थे और क्रिप गया है, आई एम श्योर ही विल मेक एट लीस्ट 7 रन। क्रिप सूरी आ चुके हैं अगले बैट्समैन, तुम्हारे नंबर 1 की जर्सी पहन के नंबर 1 होंगे या नहीं ये तो टाइम बताएगा। यार इनकी पोनीटेल बहुत क्यूट है, घर ले जाओ तुम पोनीटेल दोनों को। Come on, Varun, one more wild. Yeah! 3 run! 3 run gaye. Sir, 3. Peeche gayi hai 3 run. Come on, Varun, one more wild aur phir kota khatam. 11 run ho gaye. 4 run chahiye. 4 run chahiye, bowler hamari taraf se. Pressure mein hai bowler.
Varun, one more wide with 3 runs, please. 4 runs away from achieving the challenge. Come on, Kolkata Babu Moshai. और ये दोनों भागे रन्स के लिए एंड एक रन, 4 रन में से एक हो चुका है. शरद आ गए हैं अब स्ट्राइकिंग पोजीशन पर. बहुत ही हॉट एंड थ्रिलिंग मोमेंट हो गया है ये चैलेंज ओवर. पूरा स्टेडियम इस वक्त सोच रहा है ये चैलेंज ओवर हो पाएगा नहीं हो पाएगा. वरुण वडोला की बॉल पर आउट होने के लिए तैयार है. अरे बॉल तो देखो कितनी वाइड जा रही है यार, कहां से आउट होगा. रंता, अब देखो वाइड से ही बन जाएगी, लास्ट बॉल चाहिए एक रन. सिर्फ एक रन चाहिए चैलेंज अचीव करने के लिए. कोलकाता डगआउट में बैठकर बहुत खुश हो रही है. थैंक यू वरुण, थैंक यू वेरी मच. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन. आप शुरू कर रहे हो उसके ऑफ स्टंप पे, तो इसलिए नहीं हो रहा ना. उधर भी फेंक रहा हूँ तो वो जा नहीं रहा बॉल. कॉन्फिडेंस से डालो, बिंदास डालो. और ये एक रन मिल गया कोलकाता बाबू मोशाय को और वो लोग जीत गए हैं चैलेंज ओवर. इट इज टाइम फॉर द मैंगो बैंगो मोमेंट ऑफ फ्रूटी बीसीएल. 61 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. बहुत टाइट फील्डिंग है. तू सुन, फुद्दू ऐसा आउट नहीं होना, 5 ओवर बाकी भाई. मैं भाई आराम से खेलूंगा, टेंशन नहीं मत ले, ठीक है. कोई कुछ भी बोले. एडवांटेज पुणे ने अपनी फील्डिंग और बोलिंग से पहले प्रेशर क्रिएट करके किया था, वो एक चैलेंज ओवर में इन लोगों ने बदल दी बाजी. वरुण की बॉल पर ये हो सकता था आउट, लेकिन मिस कर दिया मोहित ने. लेकिन करम ने फिर भी फील्डिंग करते हुए इसे चौका नहीं लगने दिया. जो जो मोहित से छूटा वो करम ने पिकअप कर लिया. बट वेरी वेल प्लेड बाय क्रिप. 66 रन्स, 4 विकेट जा चुके हैं. शरद मल्होत्रा को बॉलिंग कर रहे हैं वरुण वडोला, कैप्टन वर्सेस कैप्टन. और ये एक अच्छा खासा विकेट हो सकता था. और ये गई एक और विकेट. क्रिप सूरी हो गए हैं कोलकाता के 30वें रन आउट. आराम से भूल जाता, मैं रन ले चुका था. हाथ में थी उसके, बहुत सीधा हाथ में. अरे वो छोड़ देती बॉल. क्या चल क्या रहा है? सारे के सारे विकेट रन आउट क्यों हो रहे हैं? ये क्या हो रहा है? You really saying it? There is a lack of coordination. So maybe because you guys are observing, you know. वही. So definitely next time we'll try and work on it and we will not run out next time definitely. यार. इसके बाद last over है. But now you have to swing. देख के घुमा देना. बॉल, गो गो गो. और ये कैच छोड़ दिया. कैच, वेरी गुड, सुपर. नहीं सही किया. ये नहीं समझ आया, विनीत के हाथ से जो है कैच छूट गया, फिर भी सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट करने आए. कैच छूटा तो क्या हुआ, पर उसने 6 रन तो बचा लिए. चल 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 चल. और ये वरुण सर से कैच मिस हो गया. बहुत ही अच्छा कैच हो सकता था. वरुण से भी कैच छूटा है, विपुल से भी कैच छूटा है. काफी सारे 3-4 कैचेस छूट चुके हैं जो नहीं छूटने चाहिए थे आइडियली. आई थिंक दे शुड प्रैक्टिस मोर ऑन कैचेस एंड एवरीथिंग. ये
गो 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 गो। और ये बाउंड्री लग गई है, चौका। प्रॉपर मैच शुरू हो चुका है यहां पर। चल पॉइंट फाइव ओवर्स में 84 रन्स, 5 विकेट ऑलरेडी डाउन। कोलकाता टीम के कैप्टन शरद के बारे में क्या कहते हैं? ही इज अ गुड प्लेयर। लास्ट ईयर परफॉर्मेंस वाज ओके, इवन इस बार भी नहीं हो पाया, सो आई थिंक मे बी ही इज नॉट इन बेस्ट ऑफ हिज फॉर्म्स। शरद मल्होत्रा यहां पर रन आउट हो गए हैं, जिसके बाद कोलकाता बाबू मोशाय के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स एंड कैप्टन चले गए हैं। अंडर एस्टिमेट किया है उन्होंने आपकी टीम। I'll tell you what, प्रैक्टिस मैच में ना इनको ऐसा लगा कि पुणे की टीम है ना एकदम फुद्दू टीम है, कोई खेलने मिलने वाली नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस मैच हमारे थे। सो यू नो दे वर ओवर कॉन्फिडेंट, अभी इनका पूरा कॉन्फिडेंस ऐसे पूरा नीचे ऐसा हो गया। सीरियसली, ये कबड्डी की प्रैक्टिस तो नहीं करा है क्रिकेट के पहले? Did they practice the right sport? I have no answers to it. Aaj, today is going to be tough to win. रूल्स के मुताबिक तो अभी एक फीमेल बैट्समैन को आना चाहिए, तो अभी कोलकाता को एक लड़की को भेजना पड़ेगा बैटिंग करने के लिए। फाइनली कोलकाता बाबू मोशाय ने अपनी फीमेल प्लेयर सिलेक्ट कर ली है और निवेदिता बसु को भेजा जा रहा है यहां पर पुणे को फेस करने के लिए। अबू, ओनली 6 and 4, नथिंग एल्स, नो रन्स, लास्ट। अब देखना यह है कि निवेदिता बसु जो ओनर है कोलकाता बाबू मोशाय की, वो कोलकाता बाबू मोशाय की किस्मत को बदलती है। निवेदिता के तो यहाँ बहुत सारे फैंस हैं, सारे फैंस को मिलने आइए। निवेदिता इज यू नो अ पर्सन हु ओनली वांट्स टू विन, उनका टैगलाइन ही है राइट कि वी प्ले टू विन, तो आई थिंक वो प्रेशर है। निवेदिता, yes? निवेदिता, यू आर द ओनर ऑफ कोलकाता बाबू मोशाय, राइट? अभी जो स्ट्रेस हुआ उसके बाद पुणे से कुछ कहना चाहेंगे आप? वेट फॉर अस टू बोल, वेट फॉर अस टू बोल। निवेदिता ने खुला चैलेंज दिया है, पुणे क्या कहना है तुम लोगों का? राइट, वो चिल्ला के अपने मतलब सुपीरियरिटी दिखाना चाह रहे हैं। Do I see Rajeshwari coming to bowl right now? Oh yeah, we missed her. तो मतलब एक तरफ होने वाली है निवेदिता और दूसरी तरफ होने वाली है राजेश्वरी। Now this is going to be exciting. Play ball. राजेश्वरी ने यहाँ पर बॉल फेंका और यार अच्छा बॉल किया। I really wasn't expecting this. मेरी एटलीस्ट कनेक्ट तो हो जाएगी, क्यों ले रहा है इतना ऊपर? देख रहा है यहाँ पे आ रही बॉल तो क्यों नहीं मार रहा? सॉरी। तू खड़ा पकड़े अपनी मतलब कमाल करती है, गाना गाती है तो कमाल करती है, एक्टिंग करती है तो कमाल करती है, और अभी बॉलिंग कर रही है तो ऐसे कर रही है जैसे सालों से करती आ रही है।
और ये लगा छक्का। लास्ट बॉल पे लगा दिया गया है एक छक्का। भाई तो पहली इनिंग तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेस के बाद खत्म हुई है। 6 विकेट्स गिरे बाबू मोशाय के एंड दे हैव गॉट 96 रन्स। अभी समय आ चुका है बेलीज कार्ड के रिफ्रेशमेंट का। सारे के सारे प्लेयर्स को बहुत जरूरी है इस वक्त रिफ्रेशमेंट्स। वेलकम टू फ्रूटी BCL और हमारे स्टार पार्टनर्स हैं लॉमन पेज 3। दिल्ली ने भी अपना पहला ओवर लड़की को दे दिया था जो कि एक अच्छा डिसीजन था, और कोलकाता ने भी अपना पहला ओवर लड़की को दिया है। क्या ये डिसीजन भी सही होगा कोलकाता के लिए? यस यस इजी। निवी की पहली बॉल और कोलकाता बाबू मोशायज ऐसे तैयार हैं जैसे कि पहली बॉल पे विकेट जाएगा। वेरी गुड। और अगर ये प्रेशर टैक्टिक्स जारी रहे तो कोलकाता बाबू मोशाय कमाल कर सकते हैं। वाइड बॉल। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और ये आउट नहीं है, है आउट हो गया है आते से ही। पहला ही ओवर लड़की से करवाने का जो ये इरादा था, ये सक्सेसफुल साबित हो रहा है। बिल्कुल। तो ये क्या ये पहले से प्लान किया था आपने कि ओपनिंग ओवर वही डालेंगे? देखिए क्या होता है कि एक हल्का सा रिस्क होता है, जरूर होता है, लेकिन अगर वो ओवर अच्छा निकल गया तो फिर आपका जो ऑपोजिशन है उन पे और प्रेशर पड़ जाएगा। यार चौके छक्के पड़ने वाले थे, ये क्या हो गया यार? सर ऐसा हुआ है कि लड़की बॉलिंग कर रही है, बट नो डाउट शी इज अ गुड बॉलर फर्स्टली, एंड सेकंडली गलत हो गई, टाइमिंग गलत हो गई। और अब पुनित आ गए हैं बैटिंग के लिए। चल निवी एक और विकेट। सलील को माइक की जरूरत ही नहीं है, कितना चिल्लाता है। कैच। आउट 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 नहीं, ये आउट नहीं है। नो बॉल है, नो बॉल। अरे नो बॉल है, रिप्ले देखना, रिप्ले। कहां से मार रहा हूं मैं? हां क्लियर नो बॉल है यार, सर नो बॉल। अंपायर लुक एट दैट। नो बॉल, नो बॉल, नो बॉल। सर क्या नो बॉल है क्या? नहीं नहीं ना, ये नो बॉल नहीं है यार। अंपायर डिसीजन ले चुका है ना। इफ अंपायर विल गिव नो बॉल, दैट्स नो बॉल। मैं बस बोल रहा हूं। अंपायर ने बार नो बॉल बोला तो नो बॉल है, जब वो नहीं बोला तो नहीं है। तुम अपना काम करो ना जाके यार, दो अपना काम। चलो अपना काम करो, चलो चलो काम करो, आ जाओ, चलो बैटिंग करो। चलो तुम भी काम करो अपना, चलो। नो बॉल होनी चाहिए, शायद थी, अंपायर ने दी नहीं। अंपायर कॉल होता है, सिंपल है। पुनीत पुनीत तू कॉन्सेंट्रेट कर, कम ऑन कम ऑन। झगड़ा रिजॉल्व हो चुका है, मैच भी रिजॉल्व हो रहा है। और निविदा तक इस बॉल पर लगा छक्का। विकेट वन ओवर के बाद। और अली गोनी यहां पर आए हैं नए बॉलर। ये क्या थी भाई, यही तो करनी है, यही तो करनी है भाई। Oh!
और अब पिच पर आ रही है तानिया अबरोल, और मुझे लगता है तानिया अबरोल पुणे अनमोल रतन का एक्चुअल अनमोल रतन है, जिनके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी होना चाहिए था। हुड हुड दबंग 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 दबंग, बच के रहना इस लड़की से, क्योंकि अगर वुमन पावर देखना है तो तानिया अबरोल को देख लो। 19 का स्कोर, 2 विकेट खोकर 2 ओवर्स में। पुणे की टीम टेंशन में आ गई है, और अब बॉलिंग पे है सलील, जो अपने ओवर की दूसरी बॉल डालेंगे। मुझे लग रहा है कि फ्रूटी बीसीएल का ये सीजन लड़कियों ने अपने कंधों पर उठा लिया है। दिल्ली के मैच में भी लड़कियों ने कमाल किया था। आई थिंक जो बॉन्ग्स है दे आर ऑन अ रोल, निवी ने कैच पकड़वाया, 1 विकेट पकड़वा दिया, और अब शांति ने भी, सो या लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आई रियली होप और विकेट सारी लड़कियां ही पकड़वाती रहे एंड हम जीत जाए। सर क्या हो रहा है ये, पुणे की टीम ऐसे हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह बिखर रही है। आई थिंक वी हैव लॉस्ट आवर माइंड्स, हम कुछ ज्यादा ही प्रेशर में आ गए हैं। अब वरुण वदोला आ गए हैं, एंड आई रियली होप कि वो पुणे के लिए कुछ कमाल करें। और बहुत ही अच्छी फील्डिंग करी शरद मल्होत्रा ने, भाग भाग भाग। विकेट लेने की कोशिश, वरुण वदोला ने एक और रन ले लिया। उसको आउट नहीं करना है, रुक जा, उसको आउट नहीं करना है, वेल बॉल। अब तानिया स्ट्राइक पे आ गई है। तानिया, जस्ट फॉर वुमन पावर, आई नीड टू सी दैट पावर इन योर बैट। इसका स्कोर हो रहा है 23-3 इन 3 ओवर्स। लग भी नहीं रहा था कि ये सच में वरुण वदोला जी इतने जल्दी आउट हो जाएंगे। तो एक तरफ तानिया, एक तरफ मालविया। तानिया मालविया की जोड़ी कमाल दिखा पाएगी कि नहीं, देखते हैं। फाइनली पुणे के रतन जाग गए हैं। एक छक्का लगने के बाद अभी स्कोर हो चुका है 30 रन 4 विकेट खोकर। कहना पड़ेगा सुपर फील्डिंग, डायरेक्ट हिट। 5 विकेट ऑलरेडी गिर चुके हैं, 30 रन ही बने हैं 3.5 ओवर्स में अभी तक। भाई कपल टीम है ये, इसमें कई अनमोल रतन और कपल हैं, एक यहीं बैठे हैं दिव्यंका और विवेक, आओ जरा थोड़ी सी बातचीत करें, रोशनी डालें। यार आप दोनों को फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिकली ऐसा देखा जा रहा है, तो यार विवेक
How this all happened यार मतलब किस तरह वो पहली मुलाकात वो प्यार भरा नजराना इशारा I think it would be too elaborate but when things are meant to happen they just happen falling into it you know hamara ye arranged love hai hame arranged loved hai what is one thing you like about divyanka koi aisi baat jo badi interesting lagi aur lagti hai that she's really grounded bhai aap bataiye vivek ke bare mein koi ek aisi baat jo badi interesting hai he's my prince charming जिसका इंतजार था वो अचानक ऐसे मिला कि सोचा भी नहीं था मतलब इतना बेशुमार प्यार I don't fail to impress her every single day that's so true like every day he sweeps me off my feet he pampers me मेरा है जो भी तू चलिए ऑल द वेरी बेस्ट नाइस टॉकिंग टू यू थैंक यू सो मच दो प्यार करने वालों को जब तक दुनिया तड़पाएगी मोहब्बत बढ़ती जाएगी भाई पूरे स्टेडियम में अभी सिर्फ अली अली गूंज रहा है नीचे से अदिति अनीता सब लोगों ने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो ऑब्वियसली अच्छी बॉलिंग तो करेगा और विंध्या की बहुत ही अच्छी फील्डिंग की वजह से रन बच गया बाय द वे पुणे के डगआउट से दिव्यांका मुझे बता सकती है आर यू रिग्रेटिंग शिफ्टिंग योर टीम ओ आई लव माय टीम एंड हाउ डन 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 पुणे दैट इज हाउ मच आई लव ये रन हो सकता था लेकिन निवेदिता बसु ने इतनी टाइट रखी है यहां पर फील्डिंग और अली ने एक बहुत ही अमेजिंग कैच पकड़ के कैच आउट कर दिया है तुम्हें पता है फ्रूटी वीसीएल रूल्स के हिसाब से अब जो अगली प्लेयर होगी वो भी लड़की होनी चाहिए तो चैलेंज ओवर क्या लड़कियों का मुकाबला होने वाला है नो रन आउट नो नॉट गेटिंग अराउंड ठीक है जस्ट मेक श्योर शी प्लेस द बॉडी व्हाटएवर और अगर ये पर्पसली आउट करते हैं ना मैं चैलेंज है ना चैलेंज है चैलेंज ये पहली बार होगा फ्रूटी वीसीएल में कि दोनों तरफ लड़कियां होंगी इट इज नेवर हैपेंड पहली बार फ्रूटी बीसीएल में हो रहा है कम बेटा देयर इज नो चांस गुड लक हैव अ गुड शॉट गुड लक टू यू टू कम कम बट डोंट अरे रन आउट हुआ रन आउट बेटा रन आउट बिफोर नहीं आउट होता अभी आपके 40 रन नहीं बन रहे हैं यार चलो चलो बैटिंग करो सारे मैच हार गए चलो चलो पता है टीम कैसी है कम ऑन बैट ये कोलकाता टीम चाहती ही नहीं है कि पुणे गर्ल्स आउट हो क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़कियां चैलेंज ओवर पूरा नहीं कर पाएंगी उनको लगता है कि लड़के आए तो चैलेंज ओवर पूरा होने के चांसेस हैं और परिणीत ने ये आई थिंक ये आउट होते होते बचा और अली ने इसे जानबूझ के छोड़ा मुझे समझ नहीं आई अली कैच क्यों नहीं पकड़ा ये कैच छोड़ा है जान अली ने वहां से कैच नहीं पकड़ा पेनल्टी है सर पेनल्टी है अली गोनी जो हमारे हैं स्टड वो कुछ ज्यादा ही स्टड बन गए बाल बाल बनाने लगे कैच नहीं पकड़े सो ठीक है एट द एंड इट्स ऑल फेयर इन लव एंड वॉर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड अली गोनी के मतलब सामने बॉल आ रहा था एंड ही जस्ट डिड दिस इज ही अलाउड टू डू दैट नॉट अटेम्प्ट द कैच ओके वन सेकंड इज ही अलाउड टू डू दैट आई जस्ट वांट टू आस्क दैट
छोटा सा नहीं बड़ा सा बवाल हो चुका है एक्चुअली। पहले गलती थोड़ी सी अली गोनी की भी है, उसके हाथ में लड़की का कैच था बट वो कैच पकड़ना नहीं चाह रहा था तो ही डिड अ स्टंट लाइक दिस और उसने कैच छोड़ दिया। अंपायर ने ये डिसीजन छोड़ दिया है बीसीएल कमिटी के ऊपर। देखना ये है कि बीसीएल कमिटी क्या फैसला लेती है, क्या ये पेनल्टी दी जाएगी। कौन सी जानबूझ के? डोंट अंडरएस्टिमेट, दिस इज चीटिंग। नो। अच्छा पेनल्टी कितनी है? सर 5 रन ले लो, वैसे भी हो गया, 5 और ले लो। ओके, फायर एंड पेनल्टी। यही चाहिए, यही चाहिए। I'm enjoying this game because we know and everybody knows that we are already winner. हम लोग जीत चुके हैं, मैच हमारे हाथ में है। पेनल्टी की वजह से 5 रन देने पड़े पुणे की टीम को। सर चैलेंज ओवर है। चैलेंज ओवर में बैटिंग टीम बॉलिंग टीम के किसी एक बॉलर को चैलेंज कर सकती है। अगर चैलेंज पूरा हुआ तो बनाए गए रन हो जाएंगे दुगने, नहीं तो मिलेंगे आपको शून्य स्कोर। चैलेंज हुआ, बॉलर ने मितेन, टारगेट इज 12 रन। उसने अगर टच किया बैट से तो भागना जरूरी है। मैं भागू ना? भाग। पहली बार हुआ है फ्रूटी बीसीएल की हिस्ट्री में कि चैलेंज ओवर पीरियड में दोनों बल्लेबाज लड़कियां हैं। पूना पे बहुत प्रेशर बढ़ रहा है बिकॉज एक तो विकेट्स जा रही हैं प्लस अब चैलेंज ओवर चल रहा है जिसमें दो लड़कियां फील्ड पे हैं, विच इज समथिंग वेरी न्यू, हमने लास्ट ईयर ये कभी नहीं देखा। प्ले बॉल। कम ऑन टेंडर। पांच वापिस लो अभी। सर जब हाथ में बॉल आ चुकी है तो वो क्यों दौड़ रही है? अंपायर ने ये डिसीजन छोड़ दिया है बीसीएल कमिटी के ऊपर। हुआ क्या भाई? ठीक है, बॉल मेरे हाथ में। हाँ मैं दे रहा हूँ। व्हाट इज दिस? व्हाई शी स्टार्ट रनिंग अगेन? क्यों चाहते हैं कि आउट हो जाए उनके पीछे से? ऐसे बोला गया है जो कानों में फुसफुस करते हैं। किसी के हाथ में बॉल होती है तो कोई भागता है? और 5 रन ऐसे ले लिया, 5 रन वापस मिलेंगे। इनके अंकल आंटी सब आ जाए ना यहाँ पे, 60 रन ही मारते हैं। भाई सिचुएशन बहुत गंभीर है और गंभीर सिचुएशन ये है कि यहाँ पर रुकावट के लिए खेद हो चुका है, दोनों टीमें जो है आमने सामने आ चुकी हैं। किसका पॉइंट माना जाए? फाइनल डिसीजन है सर, आपने रिप्ले जो गर्ल बैट्समैन है नॉट आउट और फायर एंड पेनल्टी टू द पुणे। और अंपायर ने फैसला दे दिया है कोलकाता बाबू मोशाइस के फेवर में। ये थर्ड अंपायर का डिसीजन है। प्ले बॉल। भाग भाई भाग 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 भाई भाग। नितिन तेजवानी इस बॉल पे ये ऑलमोस्ट आउट ऑफ द बचे। प्रिया गई है, चलो अब हो गया मैच तुम्हारा। हम नहीं खेलेंगे यार, नहीं खेलेंगे हम, चीटेंगे, चीटेंगे या चीटेंगे। कितने बार हमारे पास में ऐसा चांस था? नहीं सॉरी, हम जो बॉलिंग कर रहे थे कितने बार हमारे पास चांस था? हमने लड़की इजी में छोड़ सकते थे बॉल, पर हमने आउट किया, हमने फेयर गेम खेला सर। सर सर डबल डबल किए इन्होंने, दूसरी बार चीटिंग की है सर, प्लस 10 मिलने चाहिए।
ओके फायर एंड पेनल्टी चलो। मैच में दो बार पांच रन की पेनल्टी लगने से कोलकाता के जीतने की राह और भी मुश्किल हो गई है। प्ले बॉल और ये विकेट गिर चुका है। परिभा के आउट होने के बाद अब आ रहे हैं अगले बैट्समैन करम और उनके आते ही कोलकाता ने अपने टैक्टिक्स चेंज कर दी है। अभी अच्छी बॉलिंग कर। प्रॉपर बॉलिंग है। अभी मैंने प्रॉपर बॉलिंग डाला। नहीं अभी थोड़ा स्पीड हल्का सा। हाँ। थोड़ा प्रॉपर तो डालता है पैरों में वो डाल। बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज खेली जा रही है यहाँ पे। तुम्हें लगता है ये 96 कवर भी कर पाएंगे? पुणे अनमोल रतन्स। नहीं मुझे नहीं लगता है कर पाएंगे। तीन बॉल्स पर 9 रन चाहिए इस चैलेंज ओवर को पूरा करने के लिए। दो बॉल्स पे अब सिर्फ 3 रन चाहिए। प्ले बॉल करम राजपाल ने एक और चौका लगा दिया है और ये चैलेंज कंप्लीट हो गया। एंड गाइस दिस इज द मैंगो बैंगो मोमेंट ऑफ फ्रूटी बीसीएल। सात विकेट खोने पर 6 ओवर्स के बाद अभी ये वाला सलील डाल रहा है, इसका बॉल घूमेगा जहां भी घूम रहा होगा ना, पीछे इंतजार करना क्योंकि बॉल इसका निकलेगा ऐसे। सिर्फ बैट रखना है तुझे, प्रॉपर क्रिकेट खेल के जीतो। आ चुकी है अब तानिया अब्रोल बैटिंग करने के लिए और सलील आचार्य अभी बॉलिंग करने वाले हैं। प्ले बॉल और ये क्या था? ये तानिया कब, मुझे लग रहा भंगड़ा खेल रही है सडनली। सलील की बॉलिंग तानिया अब्रोल के ऊपर इस वक्त भारी पड़ रही है, लेकिन करम अभी यही बोल रहे तानिया को कि तुम रिलैक्स मारो। आई थिंक अभी भी मामला अंडर कंट्रोल है। जो बाबू सर के बॉलर्स हैं वो बहुत डाइसी बॉलर्स हैं, कौन सी बॉल करते थे उनको खुद को नहीं पता होता। सो पुणे माइट जस्ट यू नो लूज देयर विकेट्स। और ये तानिया ने मारा एक। लगता है तानिया को आउट नहीं करने का हितेन का डिसीजन कोलकाता को भारी पड़ने वाला है। तानिया यहां पर मामला पलट रही है। वंस अगेन अ वुमन बैट्समैन। मार डाला उसने, मतलब सबकी बैंड बजा दी है उसने। जितने भी हम डगआउट में थे उसने हम सबको पागल कर दिया है। एंड शी इज रियली प्लेइंग वेरी वेल। और तानिया ने लिया एक और रन। 19 बॉल से 23 रन चाहिए पुणे को टू विन दिस मैच। सात ओवर हो चुके हैं और 7 विकेट डाउन है पुणे 80 रन के साथ। 18 बॉल से 17 रन पुणे को बनाने हैं टू विन दिस मैच। कोलकाता बाबू मुशाइस के प्लेयर शांतनी बड़ी स्ट्रेस दिख रही हैं अभी, इधर से उधर जब वो घूम रही हैं सबके चेहरे पे वो प्रेशर मुझे दिख रहा है। शरद इज लुकिंग स्ट्रेस, निवेदिता इज लुकिंग स्ट्रेस्ड, सब परेशान दिख रहे हैं क्योंकि निवेदिता ने हमें प्रॉमिस किया था कि इनकी बॉलिंग होने वाली कमाल। तानिया अब्रोल एक बार फिर से
स्ट्राइकिंग पोजीशन पर आ चुकी हैं एंड आई लव द वे तानिया अपना काला बल्ला उठाती है ऐसे कि आ बेटे दो डालूंगी और ये नहीं और ये दोनों ने कोशिश करके एक रन ले लिया है और अब ये इंडिया पाकिस्तान काइंड ऑफ बॉल हो रहा है यू नो विद्या बालों की याद आ रही है एंटरटेनमेंट हो गया ये मैच और करम ने एक और बार ठोका हालांकि 7 विकेट आउट हो गए बट दिस गाय करम हूज बैटिंग ही इज एट इट मैन वो पागलों की तरह खेल रहा है अगर यही चलता रहा इसका बल्ला चला सो आई डोंट थिंक ये आखिरी दो ओवर तक भी मैच जाने वाला है और करम ने एक और बार छक्का ठोक दिया है 14 गेंदों से सिर्फ 4 रन अब चाहिए पुणे को इट्स लाइक अ केक वॉक और ये एक और चौका एंड करम राजपाल ने जिता दिया है पुणे को आई थिंक मे बी वो एक मोमेंटम जो था हमारा वो बीच में ब्रेक हुआ द टीम प्लेड वेल इट वाज वेरी लो स्कोर आई थिंक सबने बहुत अच्छा डिफेंड किया सो इट वाज गुड गेम भाई सबसे पहले तो जोरदार तालियां हो जाए फ्रूटी बॉक्स क्रिकेट लीग के लिए सो सेलिब्रेशन शुरू करते हैं लेकिन सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगा हमारे खास मेहमानों से हमारे बीच है मिस्टर कुमार महिंद्रा जनरल मैनेजर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रूटी पार्ले आटो पुणे टीम के ओनर मिस्टर नवीन और कोलकाता बाबू मोशाय टीम के रिप्रेजेंटेटिव और स्टेक होल्डर मिस्टर दुष्यंत खोना हमारा आज का पहला अवार्ड है मैनगो ऑफ द मैच अवार्ड और ये अवार्ड जाता है मुझे मालूम ही नहीं अवार्ड के तानिया आज के इस मैच में औरतों ने झंडा गाड़ दिया है तो ये अवार्ड देना तो लाजमी है सो द वुमेन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू एनी गेसेस राज नहीं तानिया फिर से तानिया And the last award of the evening is the man of the match award. Karam! Mr. Karam Rajpal. High emotional note pe shuru hua Pune versus Kolkata ka match aur high emotional note par khatam ho gaya Pune versus Kolkata ka match. और अगला मैच है अहमदाबाद एक्सप्रेस वर्सेस जयपुर राज जोशीले तो देखना मत भूलिएगा शाम 4:30 बजे शनिवार और इतवार ये होगा ना संडे को कलश पर तब तक हम ये कहेंगे मन लगा के देखिए फ्रूटी बीसीएल